यदि आप खाने के लिए सुरक्षित नहीं हैं, तो हम कभी कभी अपने आलू पर अजीब डॉट्स देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें उन्हें फेंक देना चाहिए। यहाँ खाने या टॉस करने के 10 तथ्य दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल 119 अरब पाउंड खाना केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्बाद हो जाता है? परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, इस संख्या का मतलब है कि अमेरिका में लगभग 40% भोजन बर्बाद हो जाता है। अगर लोगों को सामग्री पर भरोसा नहीं है तो वे खाना फेंक देते हैं। वे सतर्क रह रहे हैं और यह समझ में आता है, लेकिन क्या होगा अगर खाना खाने के लिए सुरक्षित हो और केवल अजीब लगे? सूची में पहली वस्तु गोमांस है। जब मांस की बात आती है तो लोग स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सतर्क हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दुकान से कुछ कच्चा गोमांस खरीदते हैं। बाद में आपको एहसास होता है कि इसमें कुछ भूरे धब्बे हैं। यदि आप इसे तुरंत हटा दें तो मेरी बात सुने, यह सामान्य है। दरअसल आप बीफ के अंदर भूरे रंग की परतें भी देख सकते हैं। चमकीला लाल रंग ताजा मांस के बराबर है ना? आवश्यक रूप से नहीं। जब मांस पहली बार काटा जाता है तो वह मैरून रंग का होता है। यदि मांस को जल्दी से वैक्यूम पैक किया जाता है तो यह उस छाया को बनाए रखेगा, लेकिन अगर मांस को 15 मिनट तक हवा के संपर्क में रखा जाए तो ऑक्सीजन के कारण उसका रंग लाल हो जाएगा। जैव रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होने पर लाली भूरे रंग में बदल सकती है। इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। चमकदार लाल रंग पाने के लिए किराने की दुकानों के कर्मचारी दिन में कई बार मांस को पीसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उपभोक्ता मैरून परतों को लेकर सतर्क रहते हैं। इसलिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मांस अच्छी तरह से सूखा हुआ हो। यदि गोमांस को ऑक्सीजन पारगम्य प्लास्टिक में लपेटा जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद यह चमकदार लाल हो जाता है। जब तक मांस से महक आती है और ताजा महसूस होता है, और अगर इसे ठीक से संग्रहित किया गया है तो इसे खाना सुरक्षित होना चाहिए। क्या आपने कभी झींगा के खोल के नीचे काली रेखाएं देखी हैं? इसकी भी कहानी गोमांस से मिलती जुलती है। आपके झींगा के मांस पर काली रेखाएं एक प्राकृतिक घटना से संबंधित हैं। झींगा को पानी से निकालने के बाद वे धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और समय के साथ कालापन अधिक दिखाई देने लगता है। यहां भी जानवर का पैटर्न ही एक कारक हो सकता है। ये काली रेखाएं झींगा पर प्राकृतिक रूप से होने वाला मलिन किरण हो सकती है। बिल्लियों के बारे में सोचो, उनके अलग अलग रंग पैटर्न भी हैं, लेकिन प्रजातियों के मामले में वे समान हैं। अगली बार आप अपनी रसोई में एक लघु प्रयोग कर सकते हैं। कुछ झींगा को एक साथ रखें और झींगा के रंग पैटर्न में हल्का अंतर देखें। जब झींगा खाने लायक नहीं रहेगा तो उसमें एक अलग ही दुर्गंध होगी। इसलिए यदि इसकी गंध और स्वाद ताजा है तो इसे फेंके नहीं। क्या आपको फफूंदयुक्त दही खाना चाहिए? सतह पर वह हरा पदार्थ बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसे बाहर निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके नीचे साफ दही है। संक्षिप्त उत्तर यह है कि इसे फेंक दो। सांचे को केवल शीर्ष पर ही देखा जा सकता है, लेकिन यह संभवतः गहराई तक चला गया है। यह कहने की जरूरत नहीं कि इसका स्वाद खराब होगा। कई सांचे हानिरहित होते हैं, लेकिन कुछ विष उत्पन्न करते हैं। हरा सांचा एक प्रकार का पेनिसिलियम है। क्या यह शब्द परिचित लगता है? यह उसी प्रकार का सांचा है जिसका उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन में किया जाता है। ज्यादा उत्साहित मत होइए। फफूंदयुक्त दही खाने से जीवाणु संक्रमण जादुई रूप से ठीक नहीं होगा। यह केवल आपके डेयरी उत्पाद को खराब करता है। 2013 में दही की एक पंक्ति से संबंधित प्रकोप हुआ था। कंपनी ने हमेशा की तरह उत्पादों को स्टोरों को सौंप दिया। कुछ समय बाद उन्हें ग्राहकों की शिकायतें मिली। उन्होंने कहा कि दही खराब है। दही दही के सूप जैसा लग रहा था और स्वाद वास्तव में पुराना था। पता चला कि एक प्रकार के कवक ने संभवतः कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है। इससे उत्पाद फिजी और फूला हुआ हो गया। कंपनी और एक अन्य स्वतंत्र वैज्ञानिक दोनों ने कहा कि यह कवक आम तौर पर लोगों के लिए हानिकारक नहीं था। फिर भी 200 से अधिक लोगों ने इससे प्रभावित होने की सूचना दी। तो इस प्रकार की चीजें अभी भी हो सकती हैं। आपको अपनी तेज समझ पर भरोसा करना चाहिए। यदि आप कभी भी इतने भाग्यशाली रहे हैं कि आपको ताजा खुले पैकेज में कुछ सांचा देखने को मिला है, तो निर्माता से संपर्क करें। आप कंपनी को प्रणालीगत समस्या के बारे में सूचित करके और संभावित भविष्य के उत्पाद बर्बादी को रोककर संभावित रूप से दूसरों को उसी परिदृश्य का सामना करने से बचाएंगे। इसके अलावा कंपनी शायद संशोधन करना चाहती है, और या तो आपके खराब दही की भरपाई खुशी से करना चाहती है, या बेहतर, वे आपको निःशुल्क उत्पादों के लिए कूपन देंगे। एवोकैडो के अंदर कभी कभी भूरे रंग के बिंदु क्यों होते हैं? तकनीकी रूप से यह खाने योग्य है,
लेकिन शायद आप इसे खाना नहीं चाहेंगे। एवोकाडो कई विटामिन जैसे सी, ई, के और बी छह का स्रोत है, साथ ही मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी बहुत कुछ जैसे स्वस्थ पदार्थ। एवोकाडो ऐसा स्वास्थ्य भंडार बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है। पोषक तत्व, पानी और शर्करा इस फल के चारों ओर घूमते हैं। हाँ, तकनीकी रूप से एवोकाडो को एक फल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैसे भी एवोकाडो के पास नसों की तरह अपने स्वयं के परिवहन चैनल होते हैं। ये चैनल सामान्यतः हमारे लिए अदृश्य होते हैं। जब तक कुछ सामान्य से बाहर न हो जाए, एवोकाडो को बहुत अधिक ठंडे तापमान में आवश्यकता से अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप ऊतक कोशिकाएं कमजोर हो सकती हैं और खराब होने लग सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फल तोड़ने के बाद यदि इसे खरीदने से पहले कुछ हफ्तों तक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो संवहनी भूरापन हो सकता है। एवोकाडो को कुछ दिनों तक कमरे के तापमान पर रखने के बाद यह घटना दिखाई देने लगती है। अपने आप पर कठोर मत बनो, यह आपकी वजह से नहीं है। तो क्या आपको इसे खाना चाहिए या फेंक देना चाहिए? आप ब्राउन डॉटेड एवोकाडो खा सकते हैं, लेकिन आप पहले उनका स्वाद लेना चाहेंगे। आइए अब आपका परीक्षण करें। क्या पृथ्वी पर अधिक पेड़ हैं या आकाशगंगा में तारे हैं? यदि आपका उत्तर सितारे है तो क्षमा करें, आप गलत हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारे और पृथ्वी पर लगभग 3 खरब पेड़ हैं। अब यह प्रभावशाली है। खोज के बाद से प्लूटो ने अभी भी पूरी कक्षा नहीं बनाई है, और अब कल्पना करें कि यह 1930 में पाया गया था। प्लूटो को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगभग 248 वर्ष लगते हैं। वैसे तो बुध सबसे तेज है। इस ग्रह को एक पूर्ण यात्रा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। हालांकि प्लूटो 2178 में अपनी खोज के बाद से अपनी पहली पूर्ण कक्षा पूरी करेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ग्रहों के बारे में एक और मजेदार तथ्य, बौने ग्रह हाउमिया का आकार बहुत ही अजीब है। यह बिल्कुल आलू जैसा दिखता है। इसका आकार लगभग प्लूटो के समान है और इसमें शनि के समान वलय है। यदि आप कभी इसे खोजना चाहें तो यह नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित है। नाचोस कोई प्राचीन मेक्सिकन भोजन नहीं है। इनका आविष्कार 100 वर्ष से भी कम समय पहले हुआ था। कहा जाता है कि इग्नासियो एना, उपनाम नाचो, ने 1940 के दशक में यह व्यंजन बनाया था। नाचोज के पीछे एक अच्छी कहानी है। एक नियमित ग्राहक को बहुत भूख लगी और उसने पूछा कि क्या इग्नासियो उसे और उसके 3 दोस्तों को उस दिन कुछ अलग ला सकता है। उसने देखा कि महिलाएं कितनी भूखी थीं और उसने उनके लिए जल्दी से कुछ पकाने का फैसला किया। उन्हें उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके सुधार करना पड़ा, इसलिए उसने कुछ टॉर्टिला, उनके ऊपर कसा हुआ पनीर डाला और ऊपर से डिश को गर्म किया। पकवान को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए उन्होंने ऊपर से कुछ जैलपिनो मिर्च डाल दी। मैमी फिनान, वह बहुत ही नियमित ग्राहक, ने पूछा, असामान्य नाश्ते का नाम क्या था? इग्नासियो ने ज्यादा देर तक नहीं सोचा और कहा कि नाम नाचो स्पेशल है। संतरे जरूरी नहीं कि संतरे हों। यदि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है तो क्लोरोफिल को तोड़ने के लिए जलवायु पर्याप्त ठंडी नहीं होती है, इसलिए फल का छिलका पीला या हरा रहता है। ऐसे संतरों को आमतौर पर एथिलीन गैस से उपचारित किया जाता है, जो संतरे को नारंगी रंग में बदलने में मदद कर सकता है। ऑरेंज, क्या आप उससे प्रभावित हैं? ठीक है, मूंगफली का मक्खन और सगाई की अंगूठी में क्या समानता है? इन दोनों में हीरे लगे हैं। वैज्ञानिकों ने पीनट बटर को हीरे में बदलने का तरीका सीख लिया है। उन्होंने CO2 से ऑक्सीजन निकाला, उन्होंने कार्बन प्राप्त किया और फिर इसे तीव्र दबाव में डाल दिया, और अंत में उन्हें हीरे मिले। एक पल में, मुझे लगता है पफर फिश, जिसे ब्लोफिश के नाम से भी जाना जाता है, 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। यह अनाड़ी है और यह सचमुच एक गुब्बारे की तरह बदल सकता है। खुद को हवा में उड़ाना और फिर खुद को उड़ा देना उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करता है। फूल जाने पर यह खाने योग्य नहीं होते। खैर, पिचकने पर भी वे पूरी तरह से अखाद्य नहीं है। इनका जहर साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। मारक औषधियों पर भरोसा मत करो, वे अस्तित्व में ही नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।